एग्जाम के बाद इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है। इसके लिए बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है, 10 पॉइंट्स में समझा रहा हूँ, 10 पॉइंट का अच्छे से देख लो, आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बट स्टिल अगर कुछ डाउट रहता है तो मुझे नीचे मैसेज कर देना या फिर कमेंट कर देना, हम उसको सॉल्व कर देंगे। पहले हमें क्या करना है, स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लो। सेकेंड, एमपी मेडिकल काउंसिल में जाके राइट हैंड साइड में लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक कर देना, इंटर्नशिप ट्रांसफर का फॉर्म खुल जाएगा। थर्ड, पहले सबसे पहले उसमें देखो कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या है, 10th और 12th की मार्कशीट है, डोमिसाइल है, स्कोर कार्ड है, मेडिकल डिग्री है, सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो एनएमसी ने दिया है वो है, और देन एफिडेविट है। उसमें जो डेट्स डालनी है वो बिल्कुल ध्यान से डालना, उसमें कोई गलती मत करना। अगर उसमें गलती भी हो जाती है तो वो ठीक हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फॉर्म फिल करना स्टार्ट करो, उसमें एक चीज आएगी, एनरोलमेंट नंबर क्या होता है, या तो उसको खाली छोड़ दो या फिर अगर आपके कॉलेज में जो एडमिशन नंबर होगा वो डाल सकते हो। सब भरने के बाद आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद उसमें ओटीपी वेरिफिकेशन पूछेगा। तो दो तरह की कंडीशन हो सकती है, या तो आपको वेरीफाई एक बार में हो जाए या फिर वेरीफाई ना हो। इनकेस अगर वेरीफाई नहीं होता है तो आपको फिर से फॉर्म फिल करना है, उसमें टेंशन वाली बात नहीं, वापस फॉर्म फिल कर दो, वापस से वेरीफाई कर दो, हो जाएगा। सो लास्ट में क्या करना है, तो आपको क्या करना है, इन पर्सन या फिर पोस्ट के थ्रू ओरिजिनल एफिडेविट एमपी मेडिकल काउंसिल में आके जमा करवाना है। तो उस टाइम पे जब वो जो फोर्थ पॉइंट है वहां पे जो खाली छोड़ा था आपने जगह, वहां पे वो एप्लीकेशन नंबर और जिस दिन आपने अप्लाई किया है वाली डेट डाल के उनको जमा कर दो। 5 तारीख तक सारे एप्लीकेशन फॉर्म ये लोग एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगी।